हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो यहाँ पे आज हम देखेंगे हमें और कौन कौन सा पढ़ना है सिक्सटीन दिसंबर से रिलेटेड तो चले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ओके वन मिनट यस तो यहाँ पे हम देखो फर्स्ट पेज पे देखेंगे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे है प्रोटेस्टर रॉक पार्लियामेंट प्रोटेस्ट नॉट प्रोटेस्टर ओके प्रोटेस्ट ऑफ दी पार्लियामेंट ओवर सिक्योरिटी ब्रीच जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है पार्लियामेंट में उससे रिलेटेड है ये तो ये थोड़ा सा हम देखेंगे जो दोनों हाउसेज हैं उसको अर्जेंट कर दिया गया है मंडे तक ठीक है एज अपोजिशन मेंबर मेम्बर कॉन्टिन्यूस्टी ओवर एम पी सस्पेंशन एन सी के स्टेटमेंट फ्रॉम साह आर एस जो राज्यसभा के चेयरमैन लोकसभा के चेयरमैन क्या हुआ है रिजेक्ट किया है अर्जेंटमेंट मोशन नोटिस का पूरा मामला तो आप लोग न्यूज़ चैनल्स वगैरह में देखते रहते हैं फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे अडे आफ्टर फोर्टीन अपोजिशन मेंबर्स वर सस्पेंडेड तो चौदह अपोजिशन मेंबर को क्या कर दिया गया है सस्पेंड कर दिया गया है फॉर डिसरप्टिंग पार्लियामेंट प्रोसीडिंग तो डिसरप्ट कर रहे थे वो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग को नहीं होने दे रहे थे इसलिए उनको सस्पेंड किया गया बोथ दी हाउसेस वर अर्जेंट टिल मंडे मंडे तक अर्जेंट कर दिया गया है दोनों हाउसेस को डे एस प्रोटेस्ट कॉन्टिन्यू ओवर द इशू ऑफ सिक्योरिटी ब्रिज सिक्योरिटी ब्रिज जो हुई पार्लियामेंट में उसकी वजह से ये सब चीज़ें जो है मतलब जो ये कॉन्टिन्यू है प्रोटेस्ट जो भी सिक्योरिटी ब्रिज को लेके कर तो इसलिए वहाँ पर नहीं हो रही है सदन की कार्यवाही वाइल द लोकसभा बेअर्ली फंक्शन फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स ऑन फ्राइडे कुछ समय के लिए फ्राइडे को हुआ था लोकसभा में Uh, सदन चला था द राज्यसभा टू डिड नॉट टेक अप एनी बिजनेस अदर देन कस्टमर रील लाइन ऑफ पेपर बो हाउस डिड नॉट टेक अप द्वेश्चन आर तो दोनों लोग क्या नहीं ले रहे हैं डिड नॉट टेक अप क्वेश्चन आर ठीक है जीरो आर एंड प्राइवेट मेंबर्स ओके तो इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ से कि वो क्या नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन आर जीरो और प्राइवेट एंड प्राइवेट बिजनेस ऑन फ्राइडे ओवर द इशू ऑफ सिक्योरिटी ब्रीज तो ये सारी चीज़ें अभी नहीं हो रही हैं लोकसभा में अपोजिशन मेंबर्स हु हैड मूव नोटिस टू टेक अप द मैटर एट एजनमेंट मोशन एजेंटमेंट मोशन अब आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है जो लोग पढ़ रहे हैं ये सारी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पी वाई क्यू में क्वेश्चन भी बना है आपको बताना है एडजमेंट मोशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में किस जगह पे मेंशन है आपको बताना है ठीक है क्वेश्चन है ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है आंसर आपको कमेंट करना है ठीक है क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देखेंगे uh, when the लोकसभा met at eleven a m the proceedings were shared by bjp m p rajinder agarwal instead of mr omberla ठीक है ai One minute. Okay. तो मतलब यहाँ क्या बताया जा रहा है अग्रवाल के द्वारा ना कि के द्वारा. इमीडिएटली अपोजिशन ने क्या किया वेल ऑफ हाउस कैरिंग प्लाकार्ड एंड रेजिंग स्लोगन अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड डिमांड स्टेटमेंट फ्रॉम होम मिनिस्टर अमित शाह ओवर सिक्योरिटी ब्रिज तो उस पर उन्होंने क्वेश्चन Uh, उससे उन्होंने क्वेश्चन किया है होम मिनिस्टर अमित शाह को कि उस पर बताएँ कि किस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हुई है द कैरिंग ऑफ द प्ला कार्ड वॉज इन सॉलिडेरिटी विद देयर कोलीग्स हु वर सस्पेंडेड फॉर कैरिंग द सेम कि कई लोगों को सस्पेंड भी किया गया है द चेयर एजेंडमेंट हाउस टिल टू पी पहले दो बजे तक सदन की कार्यवाही रोकी गई थी एजेंड की गई थी उसके बाद दे देन अ मिनट एंड देन इट वॉल अजेंट फॉर डे शून आफ्टर मेट इन दी पोस्ट लंच सेशन और अभी मंडे तक वहाँ पे नहीं हो रहा है अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पता चला है कि ललित झा वॉज द मास्टर माइंड ऑफ द एक्ट सेज पुलिस तो पुलिस ने जैसे जो एडमेंट सॉरी जो ब्रीच हुई है सिक्योरिटी ब्रीच हुई है वहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर पार्लियामेंट में जो चीज़ें हुई हैं उसके लिए क्या बताया जाता है जा तो कि जो ललित झा है वॉज द मास्टर माइंड ऑफ द एक्ट सेज पुलिस तो पुलिस ने बताया कि ललित झा जो है वो मास्टर माइंड थे इसमें ललित झा हु सरेंडेड टू डेली पुलिस उनको सरेंडर कर दिया गया है डेली पुलिस को ऑन थर्सडे हैज़ बिन डस्ट

न्यू सीएम हो गए हैं राजस्थान के ठीक है इसके पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वहाँ पे अशोक गहलोत की अभी बीजेपी वहाँ जीत गई है राजस्थान में और नए सीएम बने हैं भजन लाल शर्मा तो आप अगर यहाँ से सारी चीज़ें देखोगे तो हमें पता चलेगा कि जो एम एल ए हैं भजन लाल शर्मा उन्होंने शपथ लिया वॉट ऑन एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान दैट इज हाई प्रोफाइल सेरेमनी हुई फ्राइडे को जो कि अटेंड किया गया बीजेपी वर्कर्स के द्वारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी थे और सेवरल यूनियन मिनिस्टर भी वहाँ पे थे सी एम थे बीजेपी रूल्ड स्टेट वर इन अटेंडेंस ठीक है तो यह आप यहाँ पे आ, देख सकते हो आगे क्या कहा जा रहा है गव, गवर्नर कलराज मिश्रा एडमिनिस्ट्रेट दी ओथ ऑफ दी ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी टू मिस्टर शर्मा तो कि इन्होंने लिवाई जो गवर्नर है गवर्नर कौन है कलराज मिश्रा अब जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ठीक है कि भजन लाल शर्मा जो है वो सीएम बने वो तो ऑलरेडी उन लोग को पता होगा जो राजस्थान के होंगे गवर्नर ने शपथ दिलाई जो कि हैं कलराज मिश्रा ठीक है ओके और मिस्टर शर्मा एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है दिया कुमारी एंड प्रेमचंद भिरवा तो आपको ये भी याद रखना देखो कई बार क्या होता है हम चीफ मिनिस्टर क्योंकि वो हाईलाइट करके दिखता है तो हम जान जाते हैं पर चीफ मिनिस्टर जो हैं उनको आपने देख लिया भजन लाल शर्मा पर आपको जो दो डिप्टी सी एम ठीक है उप मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं जैसे कि दिया कुमारी एंड प्रेमचंद भीरवा उनको भी भैरवा भारव, भैरवा मतलब जो भी होगा वहाँ प्रसिएशन भैरवा है या भैरवा है जो भी है पर आपको यह जाना होगा कि दिया कुमारी और प्रेमचंद को मनाया गया है डिप्टी सी एम द फंक्शन हेल्ड इन द फ्रंट ऑफ अल्बर्ट हार्ट और अल्बर्ट हार्ट हॉल जो है वहां पर राम निवास गार्डन वहां पे हुआ जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था थ्री स्टेज वर पुट अप टू दिस वेयरिंग सेरेमनी जिसमें क्या क्या हुआ ओवर फिफ्टी हिंदू प्रीस्ट वहां पे मौजूद थे एट वन स्टेट वाई स्टेज पे एंड वाइल ऑल द दोलिटिकल लीडर थे अनदर स्टेट पे स्टेज पे ठीक है तो स्टेज बनाया गया था जिसमें पचास हिंदू प्रेस्ट भी वहाँ पे मौजूद थे और पॉलिटिकल लीडर्स भी थे थर्ड स्टेज जो था वहाँ पे क्या हुआ वाज मीन फॉर ओथ वेयर गवर्नर थे मोदी थे प्राइम मिनिस्टर एंड तीन और लीडर्स थे जो शपथ ग्रहण समारोह में वहाँ पे मौजूद थे सैफ्रॉन का बैनर वहाँ पे था तो मतलब ये सारी चीज़ें तो नहीं आई गी की पूछी जाएंगी ये इनका ब्रस्तल है बीजेपी का आ, ये आपको बस याद रखना है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने ऑलरेडी क्या कर लिया कवर कर लिया ठीक है और बाकी न्यूज़ में जो वहाँ से बिलोंग करते होंगे उन्होंने तो देखी ही होगी सारी चीज़ें नेक्स्ट हम आ जाएंगे देखेंगे और हमें और कौन सा पढ़ना है आगे नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे देखो एडिटोरियल वाले पेज पे हम आ चुके हैं ठीक है ये सब देखो आई आया फुलफिल प्रॉमिस बीजेपी इफ इन्फ्लेशन इज नॉट टेम देर इज अ रिस्क टू कंजप्शन एंड ग्रोथ ऐसा आर अब ये वाली चीजें थोड़ी सी हमें देखने की जरूरत है क्या कहा जा रहा है यहां से देखेंगे एसेलरेशन फॉर होल्ड मतलब यहाँ क्या कहा जा रहा है इन्फ्लेशन इज नॉट टेम देर इज अ रिस्क टू कंजप्शन एंड ग्रोथ नवंबर में क्या हुआ रिसर्जेंस इन हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन तो एच आर आई हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन वाइल क्लियरली नॉट अनएक्सपेक्टेड आफ्टर आर बी आई जस्ट लास्ट वीक प्रिडिक्टेड इज लाइक अपटिक इज़ अ स्टार रिमाइंडर ऑफ रिस्क वॉलटाइल फूड प्राइस पोज तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं दूसरा अगर आप देखो अ टाइम ऑनर्ड कनेक्ट दैट विल हेल्प ब्रिज दी गल्फ द सुल्तान ऑफ़ ओमान सुल्तान हाथम बिन तारिक विज़िट करेंगे इंडिया को सोलह यानी कि सोलह दिसंबर यानी कि आज के दिन स्टेट विजिट करेंगे यहाँ पे आएंगे इंडिया में जो कि क्या है सुल्तान ऑफ़ ओमान है कौन है वो सुल्तान हाथम बिन तारिक दिस इज़ द फर्स्ट विजिट उनका वो ये फ़र्स्ट विजिट होगा दिस इज़ हिज़ फर्स्ट विजिट टू इंडिया आफ्टर टेकिंग ओवर इन ट्वेंटी ट्वेंटी फॉलोइंग पासिंग ऑफ सुल्तान कबूब तो इनका पहला ये इंडिया का विजिट होगा ठीक है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था ओमान को फरवरी दो हज़ार अट्ठारह में और उनका फर्स्ट विजिट था ओमान का प्राइम मिनिस्टर का इन वॉर प्रूफ टू बी लैंडमार्क विजिट की एग्रीमेंट हुआ था किस किस चीज़ पर ट्रेड पे डिफेंस पे सिक्योरिटी पे अग्री किया गया था ठीक है अग्रीड अपॉन मेकिंग इट माइल स्टोन इन डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड ओमान तो मतलब ये सब अग्री मतलब हुआ था एग्रीमेंट्स की की एग्रीमेंट्स थे चे डिफेंस एंड सिक्योरिटी के ऐसा अग्री किया गया था कि हाँ की जाएगी ओमान जो है वो क्लोजेस्ट नेबर है इंडिया का अब देखो ये सारी चीज़ें हमारी कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है आई आर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि इंडिया एक टॉपिक है इंडिया एंड इट्स नेबर इंडिया एंड इट्स नेबर जो कि आई का टॉपिक है उसमें जितने भी नेबरिंग स्टेट हैं इंडिया के उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं तो ओमान क्या है क्लोजेस्ट नेबर है इंडिया का अरेबियन गल्फ रीजन में आ, की ओमानी पोर्ट ठीक है अपलूडिंग द कोस्ट लाइन अलॉन्ग विद द अरेबियन सी वेल एज द गल्फ ऑफ ओमान लीडिंग इन टू दर्सियन गल्फ़ टूवर्ड्स गल्फ ऑफ एडेन ओमान लोकेशन जो है वो अटमोस्ट स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए ये लाइन यहाँ से याद रखनी है आपको पहली क्लोजेस्ट नेबर है इंडिया का अरेबियन गल्फ रीजन में दूसरा मोस्ट स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस है लोकेशन की इसकी इंडिया के लिए अलॉन्ग विथ सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब इमीरेट यानी कि सऊदी अरेबिया एंड यू के साथ साथ ओमान कंप्लीट दी ट्रायो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप ऑफ एंड गल्फ रीजन तो आप ये जान लो कि ओमान ओ एम ए एन ओमान मतलब ये तीन स्टेट जो हो गए सऊदी अरेबिया यू एंड ओमान ये क्या कंप्लीट करते हैं ट्रायो ऑफ की स्ट्रैटेजिक पार्टनर ओके कहाँ पे गल्फ रीजन में तो ट्रायो ऑफ स्ट्रैटेजिक पार्टनर हो जाते हैं ये कहाँ पे गल्फ रीजन में ट्रायो ये अगर क्वेश्चन बने प्रलिम्स में भी तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से हैं वो क्योंकि वो विजिट पे आ रहे हैं और ट्रायो ऑफ की स्ट्रेटिक पार्टनर गल्फ रीजन में कौन कौन है तो ये आप याद कर लो सऊदी अरेबिया है यूएई है न है ओमान है ठीक है यू ओ एस करके याद कर लो ठीक है रूलिंग फैमिली ऑफ ओमानज़ हेड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ इंडिया सुल्तान कबूब वॉज फेवरेबली डिस्पोज टूवर्ड्स इंडिया एंड इन्वाइट इंडियन कंपनीज एंड अंडरटेक प्रोजेक्ट अपार्ट फ्राम सोर्सिंग अप्लाई तो मतलब बता रहे हैं कि रहता क्लोज टाइज रहे हैं पहले भी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा क्या हुआ था एंड इवन आफ्टर द अरब वर्ल्ड हैज लार्जली एम बी वैलेंट टूवर्ड्स इंडिया एंड इट वॉज ऑफन सॉफ्ट एंड सपोर्टिव ऑफ़ पाकिस्तान इट वॉज ओमान विच केप्ट इट्स डोर डन टू इंडिया मतलब बता रहे हैं कि जब कई हुआ था कि अरब वर्ड्स जो थी वो लार्जली एमबी वैलेंट थी इंडिया के तरफ और वो सॉफ्ट और सपोर्टिव थी पाकिस्तान के तरफ फिर भी ओमान था जिसने अपने दरवाजे डोर ओपन रखा था इंडिया के लिए इन अ कॉन्फ्लिक्टोन रीज़न ओमान हैज़ ऑलवेज सीन एन आईलैंड ऑफ पीस तो आईलैंड ऑफ पीस करके पूछ ले तो हम पता होना चाहिए कौन है ओमान ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं गल्फ़ कॉरपोरेशन काउंसिल कंट्रीज विथ प्रागमेटिक अप्रोच टू नेबरिंग ईरान मेंटेनिंग दैट स्ट्रेटजिक ऑफ हॉर्मर्स दैट विल नॉट बी क्लोज पर्सियन गल्फ रॉइसिस ट्वेंटी नाइनटीन वन यूनाइटेड स्टेट एंड ईरान वर ऑन टू ब्लिंक ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्स तो मतलब सारी चीज़ें यहाँ से आपको जानने की ज़रूरत है इंडिया ओमान स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की बात की गई है जो कि क्या बताया जा रहा है कि ओमान इज़ क्रूशियल पिलर ऑफ इंडियन वेस्ट एशिया पॉलिसी मल्टी फैसिल इंगेजमेंट इंडिया ओमान स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है जो साइन किया गया था ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रिलिम्स में तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया ओमान का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जब साइन किया गया था तो वो उस समय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे नवंबर 2008 में किया गया था और बेस था ट्विन पिलर ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट पे एंड शेयर्ड इंटरेस्ट पे ये सब चीज़ें अगर पूछ लेगा क्योंकि देखो जो चीज़ें न्यूज़ में होती हैं उससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन बनता है और सेम एज़ प्रिलिम्स में बनता है तो मैं बता देती हूँ हर जगह की प्रिलिम्स में किस तरह जैसे प्रेम्स ये ट्रायो के बारे में पूछ सकता है करेक्ट और और ऐसे मैं लिख दूंगी जहाँ जहाँ के हाँ पीस ऑफ आइलैंड ऑफ पीस ये प्रिलिम्स में पूछा जा सकता है तो और तीसरा ये पूछा जा सकता है कि किसके टाइम पे इंडिया ओमान इस्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन की गई थी तो इस तरह के क्वेश्चन प्रलिम्स में आ सकते हैं बाकी ये सब जैसे कि साइन किया गया था तो दो हज़ार आठ में ट्विन पिलर ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड सी इंटरेस्ट तो ये सारी चीज़ें आप मेंस में लिख करके आप अपने मार्क्स को और बेहतर कर सकते हो ओमान वाज वन ऑफ़ द फ्यू कंट्रीज टू हैव बीन इनवाइटेड बाय इंडिया एट जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी में ओमान को इनवाइट किया गया था जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी थी इंडिया की एज अ गेस्ट नेशन अर्लियर दिस ईयर ठीक है इस बार प्रेसिडेंसी किसकी थी इंडिया की नेक्स्ट होगी ब्राजील की तो ओमान को uh, बुलाया गया था गेस्ट नेशन के तौर पे डिफेंस एंड सिक्योरिटी इंगेजमेंट फॉर्म अ की पिलर ऑफ स्ट्रेटिक पार्टनरशिप एंड गवर्न बाई द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओम ओ एम ओ यू साइन किया गया था 2005 में और ओमान फर्स्ट गल्फ कंट्री ऐसी है ओमान इज द फर्स्ट गल्फ कंट्री विच ऑल थ्री विंग ऑफ इंडियन डिफेंस होल ज्वाइन एक्सरसाइज तो ये लाइन भी प्रेलिम्स में पूछा जा सकता है ठीक है कि कौन सी ऐसी फर्स्ट गल्फ कंट्री है जिसके थ्री विंग्स ऑफ इंडिया डिफेंस फोर्सेज के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज हुआ है तो वो आंसर हो जाएगा ओमान सिंस ट्वेंटी ट्वेल्व वन थर्टी इंडियन नेवलशिप हैज रिमेड ऑन ड्यूटी इन द गल्फ ऑफ ओमान फॉर एंटी पैरिसी ऑपरेशन के लिए वहाँ पे हुई और ओमान ने अलाउ किया ओवर फ्लाई ट्रांजिट बाई इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट सारी चीज़ों को वहाँ पे अलाउ किया सॉरी ड्यूरिंग द पर्शियन गल्फ क्राइसिस जब हुई पर्शियन गल्फ क्राइसिस हुई गल्फ क्राइसिस दो हजार उन्नीस में इंडियन नेवी ने लॉन्च किया ऑपरेशन संकल्प इम्पॉर्टेंट अगर यही क्वेश्चन आ जाए प्रलिम्स में कि ऑपरेशन सल सक, सक, संकल्प से रिलेटेड कौन सा अरब कंट्री है कौन सी गल्फ कंट्री है तो हमें नाम याद होना चाहिए इसमें क्या किया गया था इंडिया ने इंडियन नेवी ने, ने लॉन्च किया था ऑपरेशन संकल्प टू इंश्योर सेफ पैसेज ऑफ इंडिया फ्लैगशिप विच मोस्ट ऑफ़न ऑपरेटेड ऑफ कोस्ट ऑफ अमान ओमान ठीक है तो ये याद रखना है एम और ये सारी चीज़ें डिस्कस किया हमने ट्रेड एंड कॉमर्स Uh, forms yet another important pillar of engagement, bilateral trade ठीक है तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हैं जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे मैं स्टार बनाती हूँ और वहाँ पे आपको बता देती हूँ इंडियन ओमान लुकिंग फॉरवर्ड टू इंक्रीज इंगेजमेंट मतलब वो इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजिक एरियाज जैसे कि स्पेस कॉरपोरेशन एंड एमओ ऑन दिस वॉज साइन ड्यूरिंग मिस्टर मोदी विजिट तो अभी लेटेस्ट का बता जाए जब वो Uh, 2018 में उन्होंने विजिट किया था दो तो में कौन किया था विजिट तो ये भी आपको पता होना चाहिए मोदी ने विजिट किया था और अभी ये आ रहे हैं जब से बने हैं 2020 में उसके बाद से ठीक है देयर इज अ प्रपोजल फ्रॉम द साउथ एशियन गैस इंटरप्राइज सेज अ प्राइवेट कंसोर्टियम बेस्ड इन इंडिया टू ले 1400 किलोमीटर लॉन्ग डीप सी पाइपलाइन फ्रॉम ओमान टू इंडिया फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ गैस Uh, गैस के ट्रांसफर के लिए डीप सी पाइपलाइन जो कि कहाँ से कहाँ तक रहने वाली है ओमान टू तो इंडिया विथ आई एम डबल ई सी टू लुकिंग एट सिमिलर अंडर सी कनेक्टिविटी के लिए काम किया जा रहा है देर कुड बी कन्वर्जेंस ऑन इट्स ओमान इन द फ्यूचर इंडिया गेट वे टू वेस्ट एशिया इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और प्री मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है मेंस में आप ये चीज़ें लिखोगे तो वो जानेंगे कि हाँ आपको कितनी पकड़ है कि आप कितने अपडेटेड हो न्यूज़ से ठीक है क्योंकि आप देखो लेटेस्ट चीज़ों को कनेक्ट करके चीज़ें लिखोगे जैसे इसमें आप अगर देखो ये हम जो न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहे हैं हमें सारी चीज़ें पता चल गई कि 2008 में मनमोहन सिंह के टाइम पे क्या हुआ था फिर 2018 में प्राइम मिनिस्टर गए फिर 2020 में ये आ, मतलब जो हैं बने अब ये आ रहे हैं यहाँ पे तो अभी क्या क्या हो रहा है फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या है मिलिट्री और नेवी के क्या रोल्स हैं ठीक है आ, और किस तरीके से उन्होंने हेल्प किया जब सारे गल्फ़ कंट्रीज़ जो सॉफ्ट कॉर्नर था पाकिस्तान के साथ तो ये सारी चीज़ें अगर हमने न्यूज़ में कवर किया है तो हम अपने आंसर में ईज़िली उसको लिख पाएंगे ओके okay, अब यहाँ देखो और हाँ साथ ही साथ टॉपर की जो आंसर कॉपी है वो भी हम डिस्कस करते हैं तो आईआर से रिलेटेड भी करेंगे तो आपको वहाँ पे ये आइडिया लग जाएगा इंट्रो बॉडी एंड कंक्लूज़न में हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है वो मैं प्लेलिस्ट एक तैयार कर दूंगी अभी ईशिदा किशोर मैम की दो मैंने डिस्कस करी है एक आप देखे आपने ऑलरेडी आप देखा होगा जो मैंने अपलोड किया हुआ है प्ले तैयार कर दूँगी तो पहले मैं सोच रही हूँ इनके जितने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स हैं मतलब जो इन्होंने लिखे हैं वो पहले कर दूँ फिर कनिष्क कटारिया सर की अक्षर जान मतलब जो जो ऐसे टॉपर्स रहे हैं उनकी हम देख लेंगे या फिर अभी इस बार के ही सेकेंड रैंक थर्ड रैंक जितने भी हैं उनकी देख लेंगे इंडिया इज़ गेट वे टू वेस्ट एशिया तो देखो लिस्ट ऑफ कन्वर्जेंस एंड शेयर इंटरेस्ट इज दस लॉन्ग एंड लिमिटलेस अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है इंडिया इज़ सीकिंग डीपर इंगेजमेंट एंड कोलाबरेशन इन वेस्ट एशिया तो इंडिया को चाहिए ठीक है इंगेजमेंट एंड कोलाब्रेशन वेस्ट एशिया के साथ और ओमान क्या है इम्पोर्टेंट पिलर है इस चीज़ का इम्पोर्टेंट हो गई ये लाइन ठीक है कि गेट टू वेस्ट एशिया है एक तरीके से ओमान इंडिया के लिए सिक्योरिटी चैलेंज इन द रीजन हैव रिपल इफेक्ट इन इंडिया एंड देयर फो एनी इनस्टेबिलिटी इन द रीजन हैज डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियन वर्किंग देयर तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी एंड इट्स स्टीडली ग्रोइंग ट्रेड रिलेशन अपार्ट फ्रॉम बींग इंडियाज ओल्डेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन द रीज़न क्लोजेस्ट नेबर ओमान इज द इंटरनल पार्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट ग्रुपिंग ठीक है जैसे कि वो जी सी सी का है पार्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कारपोरेशन का पार्ट है अरब लीग का पार्ट है ठीक है तो ये सब का पार्ट है ओमान जो कि एक इंटरनल पार्ट है इम्पॉर्टेंट ग्रुपिंग का ठीक है ग्रुपिंग रीजन का गल्फ़ कंट्रीज़ का ठीक है इट्स एबिलिटी टू मैनेज राइवल आइडियोलॉजी एंड पावर गेम इन द रीजन मेक्स इट वाइडली इम्पॉर्टेंट टू इंडिया बोथ कंट्रीज कंसिडर दम सेल्फ एज द एम्बेसडर ऑफ पीस एंड एंजॉय गुड विल ठीक है अक्रॉस आइडियोलॉजी इन दी वर्ल्ड और ओमान की बात करें तो ओमान इज देयर फोर इंडिया गेट वे टू वेस्ट एशिया है ये सब रीजनस है कि एक रिपल इफेक्ट है ठीक है दूसरा ये बहुत सारे ऐसे गल्फ़ कंट्रीज़ की जो ग्रुपिंग है उसका पार्ट है और कई ऐसी कंट्रीज हैं जिससे उतने अच्छे रिलेशन नहीं है इंडिया के लिए तो ये बैलेंस करने में भी मदद होगी एंड विद दी ऑन गोइंग इसराइल हमास वॉर टेस्टिंग जो चल रही है द रीज़न टू इट्स लिमिट द विज़िट ऑफ ओमान सुल्तान इस टाइमली एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड इट्स रीज़न तो आप समझ लो बात को कि हमारे पे ये इसका क्वेश्चन बन सकता है ओमान से रिलेटेड पार्लियामेंट में जो ब्रीच हुई सिक्योरिटी की उसकी बात की जा रही है ललित झा का नाम सामने आया है वो सब हमने ऑलरेडी यहाँ पे फर्स्ट पेज पर ही हमने वो सब डिस्कशन कर लिया है ठीक है नेक्स्ट आ जाएंगे नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे छोटा सा क्या दिया है इंडिया विल बाई वेनेजुलियन क्रूड सेज मिनिस्टर पुरी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं इंडिया विल बाई वेनेजुलियन ऑयल तो इंडिया क्या करेगी वेनेजुलियन ऑयल को बाय करेगी खरीदेगी एज सम रिफाइनर्स इन द कंट्री हैव कैपेबिलिटीज टू प्रोसेस हैवी क्रूड पेट्रोलियम मिनिस्टर ऐसा बताया है क्रूड एंड पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने इंडियाज रिफाइनर हैव ऑलरेडी रिज्यूम वेनेजुलियन ऑयल ठीक है उन्होंने रिज्यूम किया है विद रिलायंस इंडस्ट्री ठीक है रिलायंस इंडस्ट्री के साथ और रिलायंस किसका है अंबानी का यूनोइ इंडियन ऑयल एच पी सी एल मित्तल एनर्जी जो है सिक्योरिटी कॉर्गोस ऑफ वेनेजुल आश्री दू एस लिफ्टेड सेंक्शन इन अक्टूबर इंडिया लास्ट इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल कब था ट्वेंटी ट्वेंटी में क्योंकि अभी यूएस तो हर चीज पर सेंशन ही लगाती है रशिया पर भी लगाया था मेनी ऑफ आवर रिफाइनरीज इंक्लूडिंग पारादीप जो हमारी है रिफाइनरी उसकी बात की जा रही है पारादीप कैपेबल ऑफ यूजिंग दैड हैवी वेनाजुलियन ऑयल ऐसा मिनिस्टर ने ऐड किया है तो ये वेनाजुल का नाम वेनाजुलियन ऑयल जो क्रूड ऑयल की बात की जा रही है वो याद रखना है क्योंकि कई बार क्या होता है आउट ऑफ आपको लगेगा कि वेनाजूलियन मतलब अगर आप गेस करोगे तो वहाँ पर गलत हो सकते हो अगर आपने नहीं पढ़ा क्योंकि दो हजार बीस के बाद की ही नहीं गई है वहाँ से ट्रेड हंगरी ब्लॉक ई यू एट फॉर यूक्रेन डेस्पाइट कर कंसेंशन ऑन ब्लॉक मेमर टॉक तो हंग्रीन ने ब्लॉक कर दिया है ई यू के एड को तो ये बताया जा रहा है कि हंग्रियन प्राइम मिनिस्टर जो है विक्टर ऑर्बन ने फ्राइडे को ब्लॉक किया है फिफ्टी बिलियन यूरो यू एड फॉर यूक्रेन जो यूक्रेन के एड था उसको क्या कर दिया ब्लॉक कर दिया आफ्टर लीडी लीडर्स साइड स्टेप हिज अपोजिशन टू अग्री टू ओपन टॉक्स विद की जॉइन दी ब्लॉक तो इस पर इन्होंने रोक लगा दी है जो कि बस ऐसे जानने के लिए नेक्स्ट आ जाएंगे हम ये स्पोर्ट्स का पेज आ गया इस पर कुछ नहीं तो हाँ बस हमारा आज के लिए इतना ही था जो कि हमें डिस्कस करना था अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लोगों को शेयर करें वीडियो को लाइक करें चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग